दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजन सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैंने तो आपका ध्यान भी भंग नहीं किया। तुम्हें अपनी माता से भी भय नहीं है? उसी भय के कारण तो ये सब हुआ है ऋषिवर। पुनः हनुमान की दैविक शक्तियों का प्रभाव कहीं तो दिखाई पड़ेगा। क्या उनकी इन लीलाओं को एक दिशा नहीं दी जा सकती स्वामी? यदि माता श्री या पिता श्री को पता चला तो मुझ पर संकट आ जाएगा। यदि तोरु के फ्रेंड संकट में नहीं होते तो हम तुम्हारे पास आते ही नहीं। हनुमान के मित्र आए थे, उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। कह रहे थे थारो को किसी भूत ने पकड़ लिया है। भूत? कौन सा भूत? कहाँ है वो? ये तो वो ही जाने, आप शीघ्रता कीजिए स्वामी। किस गुफा की ओर गई? प्राचीन गुफा की। प्राचीन गुफा की ओर? उस गुफा में भूत नहीं मायावी और धुंध बुद्धि नाम के भयानक राक्षस रहते हैं। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो वानर साम्राज्य का अंत करने के लिए आए हैं। मैं अभी सैनिक और सेनापति को वहां भेजता हूँ। आप स्वयं ही जाइए ना स्वामी, शीघ्रता कीजिए। चिंता मत करो देवी, सेनापति और सैनिक उन्हें गुफा में जाने से पहले ही रोक लेंगे। उन्हें मायावी और धुंधबुद्धि तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अब आएगा खेल का आनंद और वानरों का होगा अंत। इस वानर को मारकर हम इसे हनुमान को सौंप देंगे, फिर देखेंगे हम उसकी शक्तियां। और वो इसे जीवित करेगा। वो खुद जीवित बचेगा तो जीवित करेगा ना। किंतु वो यहाँ आएगा कैसे? वो अपने मित्र को बचाने अवश्य आएगा। सुना है हनुमान अपने मित्र के लिए कुछ भी करता है, वो अवश्य आएगा। ये है वो गुफा। तरु यही था, वो गुफा में देख रहा था। वहाँ हम सब बैठे थे। वो भूत कहाँ है? इसी गुफा में। तरु को खींचते हुए ले गया। मैं देखता हूँ, तुम लोग उधर जाओ। मेरी चिंता मत करना, मैं शीघ्र आऊंगा। पर सावधान रहना। मेरी चिंता मत करो, मैं शीघ्र आऊंगा। कुमार अंदर जा रहे हैं सेनापति जी। हमें उन्हें रोकना नहीं है, सिर्फ उनका पीछा करना है। उन्हें गुफा के अंदर जाने दो। चलो हम पेड़ पे चढ़ते हैं। हाँ चलो, ऊपर बैठकर देखा जाएगा क्या हो रहा है। चलो।
ये क्या? ये तो एक बंद गुफा है। और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं दिखाई देता। लगता है इसे ही मार्ग बनाना होगा। ये क्या है? लगता है चट्टान खिसक गया। इसे रोको। तुम रोको। तुम रोको। नहीं तुम। 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 तुम हो हनुमान। हमें तेरी ही प्रतीक्षा थी। बहुत नाम सुना है तेरा। तुम तो अभी बालक हो बालक। ए वानर, चल अपना खेल दिखा। मुझे वानरों का खेल बहुत अच्छा लगता है। खेल दिखाने ही आया हूँ। पर पहले ये बताओ, क्या तुम दोनों भूत हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो भूत ही है। चल, हम लोग जाने से पहले खेल दिखा। कैसा खेल? गदा का या हाथ का? ए, ज्यादा बातें ना बनाओ। तू अपनी मृत्यु के स्वयं ही करीब आ गया है। अरे, हमने तो सोचा था कि तू अपने मित्र का मरा हुआ शरीर लेने आएगा, परंतु तू उसके जीवित रहते ही आ गया है। अब दोनों साथ ही मरेंगे। ये क्या है? संकट मोचन जय हनुमान। इसे निकाल, तब तुझे देखता हूं। यही है तेरी शक्ति। आप दोनों में बहुत प्रेम है। गिरते भी साथ हो, उठते भी साथ हो। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे, हम राक्षस हैं, राक्षस। हाँ, तेरा काल। काल हो, पर गिर पड़े हो। देर हुई, अभी तक हनुमान का कोई पता नहीं। मैंने सुना है भूत अदृश्य हो जाते हैं, वो किसी को दिखाई भी नहीं देते। हनुमान से हर नहीं बचेंगे, वो किसी भी रूप में हो हनुमान उन्हें देख लेंगे। पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तारू का भी कोई पता नहीं। लगता है भूतों ने तारू को छुपा कर रखा होगा। हनुमान उसे ढूंढ ही रहा होगा। भूतों को परास्त करने से पहले हनुमान कुछ नहीं कर सकता, और उन्हें परास्त करना कोई खेल नहीं।
देखो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो और खेल दिखाता। अच्छा हुआ हनुमान तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम अवश्य आओगे। हनुमान तो अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम चलो, मित्र चिंतित हो रहे होंगे। प्रिय भक्तों, हनुमान जी जितने बली हैं उतने ही ज्ञानी भी हैं। बालपन से ही उन्हें पता था कि भय नाम का भूत है, उन्हें तो किसी का डर नहीं था, इसलिए भूत पिशाच उनके पास फटक भी नहीं सकते थे। मायावी और द्वंद्व बुद्धि दोनों मायावी राक्षस थे, जिन्हें हनुमान जी के मित्रों ने भूत समझ लिया था। बालक हनुमान ने उन्हें अपनी पूंछ में बांधकर खूब पछाड़ा। पहले तो उन राक्षसों ने हनुमान जी के बारे में सुना था, किंतु जब भेंट हुई तो उनकी शक्ति से भी परिचित हो गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का ऐसा खेल दिखाया कि उन दोनों को अपनी नानी याद आ गई। तो क्या हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पूंछ बढ़ा सकते थे पंडित जी? मैंने तो पहले ही बताया था कि हनुमान जी को अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वरदान मिला था। ये वरदान उन्हें साक्षात ब्रह्मा से मिला था। पवनदीप, अब तो आप प्रसन्न हैं। आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए संहारक और मित्रों के लिए अभय कारक होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। संसार में ये यशस्वी होगा और अपने अद्भुत कार्यों से साधु संत का कल्याण करेगा। अब याद आई हनुमान जी के इच्छाधारी रूप होने की कथा। ये पंडित जी, भक्तों, बालक हनुमान ने मायावी और दुंदु भी को इतना पीटा कि वो घंटों बेहोश पड़े रहे। इधर हनुमान के महल में आने के पहले सारी सूचना महाराज केसरी और माते अंजनी के पास पहुंच गई। मैं गुफा में गया था। पर उसमें तो राक्षस रहते हैं। हाँ, उनको ही देखने गया था। संकट मोचन जय हनुमान। सेनापति, हम ये भली बात ही जानते हैं कि हनुमान असाधारण है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें राक्षसों के बीच में छोड़ के चले आए। आपको ये याद होना चाहिए कि हमने आपको हनुमान की सुरक्षा के लिए भेजा था। उनके आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहीं कोई संकट तो नहीं है? नहीं महारानी, हनुमान पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, और मैंने स्वयं उन्हें अपनी आंखों से एक और चमत्कार करते हुए देखा। वो राक्षसों को कंदुक के समान उठाकर पटक रहे थे। तो क्या राक्षस इतने दुर्बल थे? नहीं महारानी, हनुमान के बल के आगे किसी और का बल काम ही नहीं आता। और मैंने उन्हें एक और चमत्कार करते हुए देखा।
कौन सा चमत्कार? महाराज, वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूछ को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी पूछ में दोनों राक्षसों को बांध लिया था। ये सब तो देवताओं के वरदान का प्रभाव है। अन्यथा ये सब कुछ वानर कुल में असंभव है। महाराज, वो आने ही वाले हैं। आप उनकी लीला संग उनसे ही पूछ लेना। ईश्वर, पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा। सेनापति को कैसे पता हो गया कि मैंने कोई लीला की है? क्या माता श्री भी सब कुछ जान गई है? पर मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। आश्चर्य है, बिना कुछ बोले यहाँ सब कुछ ज्ञात हो गया। अब क्या करूँ? माता पिता से कुछ छुपाना भी तो उचित नहीं है। चलो। मैं आ गया पिताश्री। हनुमान, इतनी रात को कहाँ गए थे? किसी को कुछ बताया भी नहीं। कैसे बताऊं? सभी सो रहे थे। मैं गुफा में गया था, प्राचीन गुफा में। पर उसमें तो राक्षस रहते हैं। हाँ, उनको ही देखने गया था। वो बहुत विशाल है माते। पर तुम वहाँ गए हैं क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उन दोनों राक्षसों ने तरु को पकड़ लिया था। यदि मैं ना पहुंचता तो वो तरु को मार देते। किंतु ऐसा करना उचित नहीं है। वो बड़े क्रूर राक्षस हैं। उनसे लड़ने के लिए सैनिक हैं पुत्र। तुम्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? जो हनुमान ने किया वो सैनिक कभी नहीं कर सकते थे महाराज। मैं अपने मित्रों को कैसे निराश करता पिताश्री? ठीक है पुत्र, अभी आप जाओ। रात्रि शेष है। रात्रि में अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाना। हाँ पिताश्री, चल। हनुमान शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। उनकी शिक्षा की शीघ्र व्यवस्था करें। बालक हनुमान तो राक्षसों को परास्त करने लगे हैं स्वामी, जबकि उन्होंने तो अस्त्र शस्त्र की कोई शिक्षा भी नहीं ली है। हनुमान को वेद शास्त्र और पुराणों की शिक्षा की आवश्यकता है देवी। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से इन्हें कोई लाभ नहीं होगा। क्या वो बिना शिक्षा के राक्षसों, दैत्यों, दानवों का सामना कर सकेंगे स्वामी? बिना ज्ञान के वो युद्ध कैसे कर सकते हैं स्वामी? हनुमान को इतनी शिक्षा मिल चुकी है देवी कि वो अपनी गदा के बल पर किसी को भी परास्त कर सकते हैं। और मल्ल युद्ध की शिक्षा तो उन्हें अपनी परंपरा से ही प्राप्त होगी। नारायण नारायण, प्रभु आप तो वही चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। पुनः ऐसी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है देवऋषि। किंतु मेरे प्रश्नों का उत्तर तो आप ही देंगे प्रभु। आप जानना क्या चाहते हैं देवऋषि? नारायण नारायण, प्रभु मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हनुमान की शिक्षा में विलंब क्यों हो रहा है। उनके माता पिता इस विषय में अभी तक क्यों नहीं सोच पाए हैं? आपके सिवा शिक्षा की प्रेरणा और कौन दे सकता है? किंतु ये तो उनके माता पिता का धर्म है माते। पुनः चिंता क्यों करते हैं देवऋषि? माता पिता को अपने धर्म पर विचार करने का उचित समय आ चुका है। केसरी, आंखें खोलो केसरी।
हम रुद्र शक्ति हैं, हनुमान हमारे प्रिय पात्र हैं। आदेश दें देवाधिदेव, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं केसरी, किंतु तुम्हें अब पुत्र धर्म का निर्वाह करना होगा। कौन सा धर्म महादेव? हनुमान शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। अंगवंश के ऋषियों के आशीर्वाद से उनकी शिक्षा पूर्ण होगी। तुम योग्य ऋषि के माध्यम से उनकी शिक्षा की शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य देवाधिदेव, अवश्य। किंतु वो ऋषि कौन होंगे प्रभु? अंजनी, अंजनी, क्या हुआ स्वामी? आप इस समय? मुझे महादेव शिव के दर्शन हुए। स्वामी, आपने कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देखा ना? नहीं अंजनी, वो सूक्ष्म रूप में आए थे। पूरा कक्ष प्रकाश में हो गया था। तो उन्होंने कुछ निर्देश दिया क्या? हाँ देवी, उन्होंने हनुमान की शिक्षा का निर्देश दिया। हनुमान की शिक्षा भी देव योग से पूर्ण होगी। संकेत तो ऐसा ही लगा। हम कल ही हनुमान को गुरुकुल की ओर लेके चलेंगे। मैं तुम जैसे बालक का गुरुदेव नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मरो जय हनुमान, मारु तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।